देवर्षि नारद को श्री हरि विष्णु का अनन्य उपासक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वह हर वक्त नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नारद मुनि न सिर्फ देवताओं बल्कि असुरों के लिए भी पूजनीय थे। देवर्षि नारद मुनि के जन्मोत्सव को नारद जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैदिक पुराणों के अनुसार नारद मुनि देवताओं के दूत और सूचनाओं का स्रोत है। मान्यताएं हैं कि नारद जी तीनों लोकों आकाश स्वर्ग पृथ्वी पाताल या जहां चाहे विचरण कर सकते हैं। यही नहीं, उन्हें धरती के पहले पत्रकार की उपाधि भी दी गई है। कहते हैं कि सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाने के लिए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। हालांकि कई बार उनकी सूचनाओं से खलबली भी मची है, लेकिन उनसे हमेशा ब्रह्मांड का भला ही हुआ है। वैदिक पंचांग के अनुसार नारद जयंती हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। नारद जयंती की तिथि 26 मई को शाम 4:43 से प्रारंभ होगी और उसका समापन 27 मई को दोपहर 1:02 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या कर ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया था। नारद का जिक्र लगभग सभी पुराणों में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार एक हाथ में वीणा धारण करने वाले नारद तीनों युगों में अवतरित हुए हैं। नारद जयंती के दिन लोग उपवास रखकर उनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पुण्य प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नारद जयंती के दिन मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना का आयोजन होता है। भक्त इस मौके पर दिन भर व्रत रखकर पुराणों का पाठ करते हैं। नारद जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विधान है। नारद जयंती के दिन विशेष रूप से श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। पूजा में तुलसी दल को भी अवश्य शामिल किया जाता है। हालांकि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में नारद जयंती से जुड़े सभी कार्यक्रमों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। ऐसे में आप इस बार घर पर रहकर ही नारद जी की पूजा करें और सुरक्षित रहें। नारद जयंती के अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही नारद मुनि की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद गीता और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी भेंट करने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना अच्छा होता है।